मूवी वॉज आउटस्टैंडिंग मूवी सुपर पैसा वसूल हाँ मतलब पैसा वसूल शाहिद कपूर वॉज आउटस्टैंडिंग नो डाउट मतलब जो कमीने में देखा था हैदर में उड़ता पंजाब में जो उसका गुस्से वाला लुक था ना सेम वैसा जो बियर्ड में उनकी एंट्री और जब उसकी बोले ना ऐसे कॉलेज लाइफ वाली लाइफ ऑसम वॉज टू गुड मतलब थ्री इडियट्स की भी याद आई और ऐसे बहुत सारे ऐसे मूवीज मतलब ऐसे थोड़ा कवर अप कर रही थी मूवी मतलब बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री मतलब ऐसी थी कि जो इमरान हाशमी की मूवीज रहते ना वैसी केमिस्ट्री लग रही थी मुझे तो हर एक सेकंड में हर एक मिनट में किसिंग हर एक मिनट में रोमांस एंड ऑल मतलब ऐसे ही चल रहा था सॉरी फेवरेट सीन इनका क्लाइमैक्स तो मतलब ज़बरदस्त था ही लेकिन जो शाहिद कपूर की एंट्री थी ना मतलब जबरदस्त एंट्री थी मतलब जो दरवाजा खोलते हैं और बैकग्राउंड पीछे का बैकग्राउंड स्कोर बजते ना मेरी उम्र के लो जवानों मतलब दिल लाना गाना ओ दीवानों मतलब हम लोग को हिला दिया आपने यार हिला दिया आपने लाइक जबरदस्त अभी फिलहाल तो ये दो गाने अंकल ओके मतलब हमारे जो ऐसे थे ना मतलब जो गाने बेख्याली है तुझे कितना चाहने लगा मतलब हमारी जुबान पे तो है क्योंकि हम लोग जब पीछे मतलब मूवी में देखा था तो वैसे अभी जुबान पे आ रहा है। एक्चुअली बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने तो हैदर में देखा था आफ्टर हैदर कबीर सिंह आफ्टर हैदर और उड़ता पंजाब में भी लेकिन उड़ता पंजाब के बाद इसने तो हिला दिया आफ्टर मतलब 32 गोल मीटर चालू में तो पूरे डिप हो गए थे लेकिन वापस ऊपर है। एक्चुअली यूथ के लिए मूवी बहुत पसंद आएगी यूथ सेंट्रिक फिल्म है यूथ के लिए मतलब यूथ से रिलेटेड है मतलब जो टीनेजर लोग हैं हमारे जैसे लोग को मतलब ये मूवी है उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वो मूवी। 4.5 ओके थैंक यू। वो कैसी लगी ये मूवी? बहुत अच्छी पिक्चर है करण सिंह जो पिक्चर बनाए हैं डायरेक्टर और उनको कबीर सिंह तो बहुत अच्छी पिक्चर है। मैं तो बोलूँगा कि पब्लिक को एक बार आना चाहिए देखने के लिए और शाहिद कपूर के अलावा कोई भी अगर एक्टर इस फिल्म में काम करता तो ये एक्टिंग नहीं कर पाता ये मैं चैलेंज के साथ बोलूँगा। शाहिद कपूर का काम बहुत बढ़िया है और 4-6 महीने में साल भर में एक एक फिल्म ऐसी देनी चाहिए शाहिद कपूर को जो आप दिल को छू लेती है। एक्टिंग को कितने स्टार देना चाहेंगे? पूरे मतलब कितने में से कितना ये तो आप पूछिए। पूरा 5 देना चाहता हूँ मैं और कॉलेज के सीन बहुत अच्छे हैं बीच में जब वो शाहिद कपूर हीरोइन के घर पे जाते हैं झगड़ा होता है फिर दोनों के बीच रोड पे झगड़े होते हैं मतलब बहुत बढ़िया एकदम बहुत बेहतरीन है और सबसे उम्मीद करूँगा कि एक बार ज़रूर देखिए। फालतू फिल्में तो सब देख के खाली पैसे बटोर लेते हैं बट ये फिल्म देखिए आप कबीर सिंह एक बार फुल पैसा वसूल मूवी है पूरा एकदम कहीं आपको लगेगा ही नहीं भले 3 घंटे की फिल्म है बट कहीं आपको बोरिंग जैसा लगेगा ही नहीं। एक आदमी के साथ जो होता है डॉक्टर रहता है फिर उसके बाद में फिर उसको लव होता है आदमी उस पागल टाइप कैसा हो जाता है पूरा मतलब मिला जुला के बहुत अच्छी पिक्चर है। एक फुल साइकोपंथी आपको पसंद आई शाहिद कपूर की? नहीं साइकोपंथी तो नहीं वो एक्टिंग कोई कर ही नहीं पाएगा जो उसने किया है ड्रग्स लेना दारू पीना फिर आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता है आजकल तो ये सब होता ही रहता है बट उसने जो यहाँ छाप छोड़ी वो कोई नहीं कर पाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बताइए सर आपको कैसी लगी ये मूवी? इट वॉज़ अ वेरी गुड वेरी नाइस मूवी। एक्चुअली यंग जनरेशन के लिए ये मूवी बनी है क्योंकि फिलहाल आजकल के ब्रेकअप्स के वजह से लोग ये हो रहे स्प्लिट आउट है विद ड्रग्स एंड एवरीथिंग सो दिस मूवी व्हाट यू गेट इफ यू प्यार में पड़े हो इंसान तो यू विल गेट टू नो द व्हाट इज़ अ लव इन दैट। मतलब वो बंदे ने सेक्रीफाइस नहीं किया वो मूवी में बंदे ने होप करके रख दिया दैट्स अ मेन थिंग अबाउट दिस मूवी। प्लीज़ वॉच दिस मूवी वेरी नाइस मूवी इट इज़। एक्टिंग कैसी लगी आपको सभी? Awesome, शाहिद वॉज ऑसम शाहिद कपूर वॉज ऑसम। और कौन से सॉन्ग्स आपको पसंद आए? दैट सेम थिंग दैट जितना चाहते हैं सनम ऑसम सॉन्ग्स एवरी सॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल नाइस मूवी नाइस डायरेक्शन एंड एवरी थिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? वेरी नाइस दैट बोथ द केमिस्ट्री दैट वन ऑफ द फ्रेंड ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी बहुत केमिस्ट्री अच्छी थी उनकी। कितने स्टार देना चाहेंगे आप आउट ऑफ 5? 4 स्टार्स। थैंक यू सो मच सर।